भाई साहब, ये तो चलने लग गया खुद ही। दोस्तों देखिए, अपने आप ही ये चल रहा है। तैयार है आपके सामने एक रोड रोलर। इट्स अ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से आप अच्छे से कोई भी बुलडोजर बना सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत पुराने बचपन में पहले करा करते थे ऐसा काम, वो मैंने कहा चलो दोबारा एक तरह से मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ इंटरनेट पर, ताकि अब जो आने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ फ़ोन में ही हैं, फ़ोन को ही अपने हाथ में लेके बैठे रहते हैं, कुछ भी क्रिएटिव ऐसा कुछ नहीं करते हैं। यहाँ बड़ा आज मैंने कुछ ऐसा करके देखिए, ये बजरी के ऊपर भी चल जा रहा है, ये बेल्ट जो है वो काम कर रही है एक तरह से प्रॉपर, एक क्या कह सकते हैं, टैंकर का। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो रोली है कितना अच्छे से रोटेट करके चल रहा है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये सब, आप जरूर बताइएगा एक कमेंट के थ्रू। आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लोगों से आप अपने आप पूछ सकते हैं किस तरह का लगा आपको, तो आप बताइएगा जरूर कि कैसा आपको ये लगा। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगा जब मैंने इसको चाबी लगाई और उसके बाद उतनी ही रोटेशन इसने कवर अप की। रोली बिकॉज दैट हिंदी में बोले तो एक रोड रोलर बनाने जा रहे हैं हम आज, और उसके लिए मटेरियल में क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जो यूजुअली घरों में खांसी वगैरह की जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनके जो कैप्स होते हैं, हम वो रिमूव कर लेते हैं और इन्हें इस तरीके से हम रख लेंगे टेबल पर, जितने भी हमारे पास सारे रख लिए मैंने। सो गाइस, दिस इज हैव 4 to 8। सो गाइस, दिस हैव आई हैव 7 to 8 bottle caps, and you know what I have to do these to show you a little bulldozer, and we have put all these on the table, and then we have create a small hole in all 8 caps with the help of this. This is a screwdriver, a small screwdriver. Can be, you can use any another thing that can be sharp on tip, and using by hammer and anything you can. But you can create a very small hole at this time at the center of this cap. एक चीज़ हमें मोमबत्ती, यानी हम कैंडल ले ली हमने, और बाकी ये ढक्कन हो गया हमारे पास सारे के सारे। उसके बाद वन दिस कटर, यू कैन ईजीली बाय ऑन शॉप विद रुपीज़ वॉर्थ रुपीज़ 10 रुपीज़, और यू कैन, या फिर आपके घर में भी पड़ा होगा कोई आरी का पुराना ब्लेड, आप उसे यूज़ करके
बाय यूजिंग दिस यू कैन कट अ कैंडल एंड स्मॉल पीसेस सी इन दिस वीडियो. सो गाइज दिस इज अ बोटल कैप. अब मैं इसके अंदर एक छेद करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे. इसे पिन कर दीजिए ऐसे कुछ इस तरह से. मैं ये पिन कर दूंगा इसको अंदर. तो ये हो गया पिन इसके अंदर. ये देखिए कुछ ऐसे यहाँ से ये इस तरह से कुछ ऐसे निकल आएगा. ठीक है बट जितना भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये करना है आपने ये किसी बड़े की प्रिकॉशंस में ही कीजिएगा क्योंकि आपको चोट लग सकती है या कुछ भी इंजरी हो सकता है. और साथ के साथ इसे थोड़ा सा अच्छे से एक्सपेंड कर दीजिए जिससे क्या होगा कि इसका जो छेद है थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा. उससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हम अच्छे से इसमें रबड़ डाल सकेंगे एयर बैंड और रबड़ बैंड विच इज़ अ रबड़ बैंड वेरी मोस्टफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड. बस इस तरह से हमें इसे एक्सपेंड करके और इसे यहाँ से प्रेस करके अच्छे से दबा देना है. तो एक कैंडल को हम कट करेंगे एक छोटा पीस वेरी लिटल अमाउंट ऑफ पीस हमें चाहिए होगा कैंडल का. ये हमारे पास एक ब्लेड है उसे हमें इस तरह से उसे कुछ कट करना होगा कुछ ऐसे करके. ऐसे करके हमें इसे कट करना होगा. तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसके अंदर मोमबत्ती के अंदर छेद कर देना है हमें कुछ इस तरह से काट लेना उसको मोमबत्ती को. और जैसे ही आपको लगेगी यह छेद हो चुका है और आप इस चीज़ को बाहर निकाल लीजिए ऐसे कुछ इस तरह से. ऐसे मैंने काट लिया अपना हाफ कर लिया इसको और इसको ही अब हमने आगे रिवाइज़ करना है. तो इस तरह से मोमबत्ती में मैंने ये एक गर्म करके स्मॉल टिप वाला एक पेचकस है जो उसे प्री पिरो दिया है और इस तरह से इसको मैंने बाहर निकाल लिया है दोस्तों. और अब इसके अंदर से दोनों तरफ से ऐसे एक होल कर दिया जिससे ये अच्छे से दिख सके. बीच में से होल कर दिया ताकि इसमें से एक रबड़ बैंड जा सके. तो अब आगे इसी तरह से मैं काफ़ी सारे 8 होल्स बना लेता हूँ मोमबत्ती के. तो इसी तरह से दोस्तों मैंने काफ़ी और सारी ऐसे से पीसीस काट लिए हैं मोमबत्ती के और हम इसी तरह से इनको यूज़ करेंगे. जैसे हमने ये 4 और लिए थे और 4 और ढक्कन है इसी तरह मेरे पास. अब इनको हम यूज़ करेंगे पैरेलल में किस तरह से वो मैं आइए आपको बताता हूँ. तो ये दोस्तों एक रबड़ बैंड है हमारे पास. इसी तरह से मैंने अपने 2 और 3 रबड़ बैंड और ले लिए. इनको हमने क्या करना है सिंपली यहाँ इस तरह से इसके अंदर मोम के अंदर डाल के और एक साइड हमने एक पिन ड्रॉप कर लेनी है ताकि हमें अच्छे से जो रबड़ है वो दूसरी साइड इस ढक्कन में से हमें निकाल पाएँ. तो इस तरह से ढक्कन में से जैसे निकाल रहा हूँ मैं देखिए इस तरह से हल्की सी हमें पिन में से ढक्कन में से निकाल देनी है. तो कुछ इस तरह से या देखिए मैंने ये लिया इस तरह से इसके अंदर ये पिरो दिया और इस तरह से ये मैंने यहाँ से निकाल दिया और ये खींच लिया. इसी तरह से मुझे दूसरी साइड भी लगाना होगा. तो दूसरी साइड एंटर करने के लिए मुझे जिंदाबाद तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमें इसे हैंग कर लेना है रबड़ बैंड एक साइड और दूसरी साइड निकाल कर कुछ इस तरह से बना देना है. ठीक है और मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको. इसी तरह से 3-4 हमने और अपने जो रोलर्स हैं वो क्रिएट कर लेना है फिर उनको ज्वाइंट करेंगे फिर हम आगे अच्छे से एक बुलडोज़र बना पाएंगे. सो गाइस देखिए मुझे ये बनाते बनाते तकरीबन एक घंटा लग चुका है और ये देखिए तैयार हो चुका है मेरा ये बुलडोज़र. ये दोनों साइड से मैंने ये रोलर तैयार कर लिए हैं. आप चाहें तो एक और रोलर इस तरह से तैयार करके दूसरा अटैच कर सकते हैं ये देखिए. और इनको मैं साइड में रख देता हूँ. कुछ इस तरह से हमारा ये बुलडोज़र बना है. अब इस बुलडोज़र को हम चला भी सकते हैं. वो कैसे अब हम इसे राउंड राउंड इस तरीके से बैक करेंगे ताकि इसमें चाबी भर जाए क्योंकि इसमें रबड़ बैंड अटैच है ये वाली रबड़ बैंड इसमें काइनेटिक एनर्जी जुड़ जाएगी. बाकी अब दोस्तों इस तरह से एक पैटर्न बन चुका है. हमने दोनों के दोनों इस तरह से सैंपल बनाकर दोनों को अटैच कर देना विद सेलो टेप या किसी भी टेप से आप जोड़ सकते हैं. और उसके बाद कुछ ये जो एक आप तिनका ले सकते हैं या आप कहीं से भी ले सकते हैं झाड़ू से वो भी ले सकते हैं अपने घर में जो यूज़ होती है. मेक श्योर आप अपने इस तरह से करके अपने हैंड वॉश जरूर कर लीजिएगा. अब इस साइज़ का हमें एक टिन का इस तरह से तोड़ लेना है जैसे मैंने तोड़ रखे हैं इसी से ही साइज़ आप आगे बांट कर किसी काफ़ी सारे से टुकड़े आप इस तरह से काट लीजिएगा ऐसे. और फिर उनको इस तरह से इनके ऊपर एक बेल्ट की तरह आपने सेलो टेप का काम करेगी जो उस तरह से आपको चिपकाना है. सो गाइस अब देखिए जैसे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसे टेप लगाकर मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया. और ये जो हमारे पास ये डंडियां हैं इनको हमने इस तरह से एक कट करके पहले टेप लगानी है. ये जो ये देखिए टेप यहाँ पर है ना
ये इस तरह से मैंने इस पे डंडियाँ रख देनी है ताकि ये इस तरह एक बेल्ट का काम करेगा। हमने बेल्ट यानी एक बुलडोज़र की बेल्ट बनानी होती है, उसके लिए हमें एक चेन बनानी होती है। चेन हम चेन का यूज़ बनाने के लिए हमें एक कुछ तरह इस तरह से लकड़ियाँ छोटी छोटी ज़रूरत होगी। इन लकड़ियों से हम इसकी बेल्ट बना देंगे अच्छी खासी। तो देखिए ज़रा इस तरह से मुझे और भी पेयरिंग करनी है, थोड़ी खुली खुली कर लीजिए आप ताकि एक में ज़्यादा ही लकड़ियाँ ना लगें और पेयरिंग अच्छी हो जाए। तो ठीक है यार, देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से बेल्ट बन चुकी है। ये इस तरह से मैंने उठा ली है और ये बेल्ट फिर हमने इस तरह से इसके हर एक दोनों रोलर्स पे चिपका देनी है, पिन कर देनी है जैसे मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। तो इस तरह से ये पिन होगी तभी हम दूसरे अपने बुलडोज़र को अच्छे से इस तरह से ही पिन कर देंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये पिन हो गई है और कुछ बड़े अच्छे तरीके से पिन हुई है। देखिए दोनों तरफ से हमने यहाँ से इसको भी पिन कर दिया है और दूसरी तरफ से इसको भी पिन कर दिया। और ये देखिए कुछ इस तरह से ही हमारा पैटर्न अच्छा लग रहा है आपको। तो आप किसी तरह से और भी बना सकते हैं बट मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इस तरह से बनाया। अब दूसरा भी हम इसी तरह से ही इस पर देखिए बना देंगे। दोस्तों कितना अच्छा हमारा बुलडोज़र तैयार हो चुका है और अब इससे हम अच्छे से चला पाएंगे। इसे हमें चलाने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको इसको से रोटेट करना है, एक इस साइड इसको भी इसी साइड, दोनों को एक ही साइड रोटेट करना है तब ये इस डायरेक्शन में चलेगा यानी इस डायरेक्शन में। और अगर हम तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा। अब अगर हम इसे इस डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करते हैं तो आप इतना तो शायद आप समझ जाएंगे ही कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो उस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। वीडियो बना रहा था नहीं है, ऑन किसने करने को कहा था यार, क्लास भी आ रहा है क्या? ठीक है तो इस तरह से रोटेट कर दीजिए इसको, हिलाए ना बेटा। इस तरह से रोटेट कर देंगे इसको हम दोनों तरीके से, इस तरह से रोटेट कर देंगे इसको कि जितने मैंने राउंड इसमें किए हैं उतने ही इसमें भी कर देंगे तो हम इजीली इसको चला पाएंगे। दोस्तों कितना अच्छा हमारा बुलडोज़र बनाया तो आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ रोड रोलर और ये किसी भी चीज़ पर चल जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये लगी मुझे इसकी कि ये किसी भी चीज़ पर चल जाता है। अब मैं इसे फटाफट से इसमें चाबी भर देता हूँ यानी इन द फॉर्म ऑफ साइंस काइनेटिक एनर्जी इसमें मैं भर दूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी उसी डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये कन्वर्ट होगी। तो इसलिए मैंने दोनों में चाबी भर दी है, इक्वल अमाउंट में आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये फिर चलेगा। गाइस ये इसके ऊपर चढ़ पाएगा नहीं चढ़ पाएगा? मैंने देखना है। ओ भाई साहब फिसल रहे, ये तो चढ़ गया भाई। ओए ओए इसने तो कमाल ही कर दिया, ये कैसे चढ़ गया यार? बटन आ गया, लगता है ये बेल्ट का कमाल है दोस्तों। जो हमने बेल्ट बनाई थी ना इसकी टिनकों से, उससे ये चढ़ पा रहा है ऊपर। बट जो इट कैन बी, लगता है शायद चाबी खत्म हो गई दोस्तों। तो भैया दूज मनाएंगे, नीचे तार कड़ा है उसका।